Wonderful. जब तक मकान मेरे नाम नहीं होगा, आखिरी फैसला मैं ही करूंगा। यही क्या उस लड़के के साथ? Shut up! खबरदार जो तुमको ये ऐसी पैसी बात की तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ से इस किस्म की कोई बेहुदा बकवास करते हुए? तुम समझते हो कि सब लोग डरते हैं तुमसे? बिल्कुल भी नहीं, तंग है तुमसे। चुप हो जा सरीन औरत। अभी मेरे इस जिस्म में इतनी ताकत है कि तेरा मनहूस मुंह तोड़ दूं। अम्मी यहाँ यहाँ से पीटर, जब तक हम इधर है वो इस घर में नहीं आएगा। एंड आफ्टर दैट इन माय एब्सेंस हम इस घर को लॉक करके जाएंगा। व्हाट? उस दिन तो हमारी बेटी अनिल की बातें कर करके हमसे बड़ा नाराज हो रही थी। ताया जी, मैं शांति से जीना चाहती हूँ, मेरी मदद कीजिए। एक बात सुनो बिटिया, सुनो गौर से। वो बड़ी पुरानी कहावत है कि अपना मारे तो छांव में डाले है। लेकिन एक बात है, तुमने हमें निराश बहुत किया। आज पिताजी यहाँ होते तो। अरे जूही बिटिया, कैसी बातें करती है तू। अगर तेरे पिताजी तेरे साथ नहीं है तो तेरा ताया तो जिंदा है। तू बता, तुझे किस बात की चिंता है? तू क्या चाहती है? शादी का समय सर पे आ गया है ताया जी, और ऐसे में अनिल ने मकान की जिद शुरू कर दी। आप बताएं ना, मैं क्या करूं? हाँ बिटिया, एक बात है, उसको अगर मकान ना मिला ना तो वो लालची मंडप से उठ भी सकता है। भगवान ना करे। भगवान तो बड़ा दयालु है, पर ये इंसान बड़ा लालची, बड़ा कठोर है। आप ही कोई तरीका बता दीजिए ताया जी। तू चिंता ना कर मेरी बेटी, संतोष वर्मा के पास हर मसले का हल है। वो क्या ताया जी? भाई तुम अनिल से कह दो ना कि तुमने अपनी माता को राजी कर लिया है। ताया जी, वो लगन मंडप पे बैठने से पहले कागजात मांगेगा। तो दे देंगे ना कागज, फेरों से पहले अविश दे देंगे। हाँ पर ताया जी, कागजात बैंक में है। अरे हाय हाय बिटिया, तू क्यों निराश होती है? अरे मैं हूं ना, चाली कागज ला दूंगा। नहीं नहीं ताया जी, जब उसे पता चलेगा तो। अरे ये बात की बात है, अभी तो अनोखा लाडला चांद मांग रहा है ना, वही हम उसे चांद देंगे। चांद असली हो या नकली हो, चांद देंगे हम उसे। आप देख ले ताया जी, कुछ उल्टा सीधा ही ना हो जाए। अरे तू बेफिक्र हो जा पुत्री, कुछ नहीं होगा। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। राम 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 राम। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बेचारी जेनी कितनी खुश और एक्साइटेड थी ना शादी की वजह से, सास की मौत की वजह से सारी खुशियों पे पानी फिर। इंसान तो बेबस है रहा, वो तो बस ख्वाब देखता है। उनकी अच्छी और बुरी ताबीर तो अल्लाह के हाथ में। अगर आप कहें तो मैं ताजियत के लिए उसके ससुराल हो। हाँ हुआ, लेकिन एक आध दिन ठहर के जाना, हम कल ही तो होके आए वहां से। खबर बेटा, खबर बेटा। जी अब जी बेटा, वो सारा का फोन आया था परसों रात दुकान से वापसी पर,
अताफ को चंद गुंडों ने मारा पीटा है और वो बिस्तर पर पड़ा है। ये तो बहुत बुरा हुआ है। लेकिन आपा ने तो कल इस चीज का जिक्र नहीं किया, हालांकि वो शादी में भी आई हुई थी। अरे हाँ, आपा ने तो कुछ बताया नहीं। मुझे सारा ने बताया था, कल उन दोनों में झगड़ा हुआ था। आखिर आपा चाहती क्या है? इस उम्र में इस तरह क्यों कर रही हैं? मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है कि उन बच्चों की जहनी हालत किस तरह ठीक रह सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा जी। मुझे तो ये भी लगता है कि सारा अब जो आपा से सीख रही है आने वाली जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। राबी ठीक कह रही है बेटा, तुम ऐसा करो कि तुम उसे समझाओ कि वो अपने घर अपने शौहर की तरफ तवज्जा दे। मैं तो समझाने को तैयार हूँ, लेकिन वो समझना चाहे तो ना, पढ़ी लिखी है, अकलमंद है, बच्ची तो नहीं है कि डांट डपट से काम लिया जाए। लेकिन अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आपा को कोई समझा सकता है तो वो सिर्फ आप है। मुझे तो ये डर है कि अल्ताफ भाई किसी दिन कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा लें, खुदा ना खास्ता आपा को। क्या हुआ है तुम्हें? तुम फिर किसी से लड़कर आए हो? लड़कर आ गया तो आ गया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? दिमाग तो नहीं खराब हो गया है तुम्हारा? हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हो। आने तो पापा को बताती हूँ मैं। तो फिर ये भी बता देना कि स्कूल से भाग के तुम किस लड़के से मिलने गई थी। जोई, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मगर अनिल मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि आज मुझे ये रियलाइज हो गया है कि तुमने मुझसे मोहब्बत सिर्फ मेरा मकान हासिल करने के लिए की थी। कम ऑन जोई, प्लीज मेरा मूड नहीं खराब करो। चलो इस खुशी के मौके पर सेलिब्रेट करते हैं। अनिल, अभी कुछ दिन में हमारा विवाह होने वाला है, थोड़ा रुक जाओगे तो? देखो, यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें सिर्फ ये विवाह दुनिया के दिखावे के लिए करना है। वैसे तो मैं और तुम पति पत्नी हैं। प्लीज मेरा मूड नहीं खराब। आज तो बहुत हिस्टोरिकल और हैप्पीएस्ट डे इन माय लाइफ है। आज हमारा एंजल मैरिज के बाद फर्स्ट टाइम हमारा घर पे। मैगी, मैगी हमारे वास्ते वो 1930 वाला ओल्ड वाइन का बोतल लाओ। लेट्स सेलिब्रेट मैगी। आर यू ऑल राइट रॉबर्ट? तुम हमको मैट समझता है, आउट ऑफ माइंड। नो 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 मैगी, डोंट अंडर एस्टिमेट मी।
प्लीज पापा स्टॉप दिस। रोकता काहे को है? तुम हमको नॉनसेंस बोलो, शट अप बोलो। तुम तो बहुत एजुकेटेड है, वेरी क्लेवर। ये तुम्हारा राइट है, अपना फादर को शट अप बोलो, मदर को शट अप बोलो, अक्का वर्ल्ड को शट अप बोलो। शूट कर जाएगा, गोली मारो हमको और हमारे ब्लड प्रेशर को। पापा, forgive me, please forgive me. Forgive me. कौन है जिसने कांच समझ के तोड़ दिया है तेरा दिल? तबीयत तो ठीक है? सो जाओ भाई, तुम्हें सुबह जल्दी उठना होता है। मैं सोच रही हूँ तुम्हें जॉब छोड़ दूँ। क्यों? क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। घर भी डिस्टर्ब होता है और अम्मा को भी मुझसे बहुत शिकायत रहती है। तुम्हारी मर्जी है, जॉब करने की ख्वाहिश भी तुम्हारी थी क्योंकि आप उस वक्त जॉबलेस थे। अभी आप जॉब भी कर रहे हैं और बहुत हैंडसम सैलरी ले रहे हैं। कंपनी ने सारी फैसिलिटीज भी दी हैं आपको। अब बहुत जल्द हम गाड़ी भी ले लेंगे। हाँ, ये तो है। गाड़ी? ओह, तो ये बात है। आप सो जाए। नमस्ते तारा जी। नमस्ते जी। जूही, तूने मायू का जोड़ा चेंज नहीं किया? मां, अभी कर लेती हूँ। ये रे बेटा, ये कागजात। कैसे कागज? ताया जी, ये असली है ना? पुत्री, तू आम खा आम, पेड़ गिनने के लिए दूसरों को छोड़ दे। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? भाभी जी, सब कुछ जूही बता देगी। अभी तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि इन कागजात के बगैर जूही के फेरे नहीं हो सकते। इस समय मैं चलता हूँ। ताई जी, निर्मले चाय लेकर आ रही है। नहीं बेटे, इस समय नहीं, चलता हूँ। राम राम भाभी जी। राम राम। जूही, अब कौन सा नया खेल खेल रही है तू? बताती क्यों नहीं? तेरा क्या ख्याल है? अब मैं शांत हूं? नहीं जूही, ये गलत है। शादी के समय ये बात अनिल को पता ना भी लगी तो बाद में पता चल जाएगी। और फिर सोच, अनिल और उसका बाप कितना बड़ा तूफान खड़ा करेंगे। तो फिर मैं क्या करूं माँ? मुझे अनिल से बात करने दे। अनिल आपकी बात नहीं सुनेंगे। मुझे बात करने दे माँ। जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दे। आगे जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बच्चों की तरह से जिद मत करो।
बात भरोसे की नहीं है, बस इस तरह से तुम्हारे घर जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसमें अच्छे और बुरे का क्या सवाल है? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मुझसे डर लगता है और तुम्हें मुझ पर भरोसा भी नहीं है? मुझे अपने आप पे भरोसा है, और मैं तुमसे क्यों डरने लगी? तुम कोई दरिंदे हो जो चीर फाड़ के खा जाओगे? इन लच्छेदार बातों से तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। चलो चलते हैं तुम्हारे घर। नहीं, हम यही ठीक है। ज्यादा एक्टिंग नहीं करो, बहुत बुरे एक्टर हो। अच्छा ना, जिद नहीं करो, उठो चलो चलते हैं। सच कह रही हो? लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, बस एक कप चाय फिर चल गया। गर्मा गर्म कॉफी। ओह थैंक यू, अच्छा घर है। तुम अकेले यहाँ बोर नहीं होते? तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? किससे करूं? जाहिर है किसी लड़की से। तुम्हारे बाद अब मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं आ सकती। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढती हूँ। मुझे इस मौजू पे अब और कोई बात नहीं करनी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ूं। एक तो तुम बात बात पे नाराज जरूर हो जाते हो। अच्छी कॉफी बना के लाओ, पिए बगैर चली जाओ। हाँ अच्छा चलो पियो, पियो ना कॉफी। बच्चों की तरह से तौबा। ऐसे परेशान तो मत हो, और रोने से क्या होगा? प्लीज हौसले और हिम्मत से काम लो, और खुदा की जात पर भरोसा रखो। जो लोग खुदा की जात पर भरोसा रखते हैं, खुदा उन्हें कभी मायूस नहीं करता। तुम ही बताओ राबी, पीटर का मदर की डेथ पे मेरा क्या फॉल्ट है? वो लिज मुझे क्यों ब्लेम करती है? देखो वो जज्बाती हो गई है और दुखी भी है। तुम देख लेना, दो एक दिन में सब ठीक हो जाएगा। और पीटर को कॉल किया तुमने? व्हाट? मैं कॉल करूं? मैं क्यों कॉल करूं उसे? हमारा वेडिंग के दिन से ये सब कुछ चल रहा है, उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की है। जेनी जेनी देखो, अभी उसकी माँ का इंतकाल हुआ है, उसे इस वक्त हमदर्दी की जरूरत है। तुम उसकी बीवी हो, तुम उसे हौसला नहीं दोगी, हमदर्दी नहीं करोगी तो रॉन्ग। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ज्यादती मेरे साथ हुआ है, पीटर को मुझे कॉल करनी चाहिए। एनीवेज तो मुझे ये बात बताओ, आज जूही की मेहंदी में जाओगी? मैं कैसे जा सकती हूँ, उसने मुझे इन्विटेशन ही नहीं भेजा। तुम्हारा इनविटेशन उसने मुझे सेंड कर दिया था। तुम जाओगी? हाँ जाऊंगी, मुझे ऐसे फंक्शंस बहुत फैसिनेट करते हैं। तुम कैसे जा सकती हो? अभी दो दिन पहले ही तो तुम्हारी सास का इंतकाल हुआ है। गॉड उसको अपने हेवन में जगह दे। बट राबी मुझे तो अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम रो रही थी और शिकवे कर रही थी, अभी अचानक से? अरे वो मार्था पीटर की मम्मी का रोना नहीं था, बल्कि वो तो पीटर ने मुझे इग्नोर किया था, इसलिए मेरे आंसू निकले थे, वरना जैनी कभी नहीं रोती। तुम भी ना अजीब ही कैरेक्टर हो, बिल्कुल समझ से बाहर। जब रो रही थी तो तुम मुझे समझा रही थी, अब नहीं रो रही हूँ तो तुम मुझे रोने के लिए बोल रही हो,
कैरेक्टर तो तुम हो. एनीवेज, मेहंदी पे जाओगी? देखो एक तो मैंने खावर से नहीं पूछा और उनकी इजाजत के बगैर मैं कैसे जा सकती हूँ. इसमें परमिशन की क्या बात है, तुम्हारी अपनी लाइफ है. खावर से पूछने की क्या जरूरत है? ऐसा मैं कभी भी नहीं करती लेकिन देखते हैं. एनीवेज आ जाना. ओके बाय. ओके बाय. इसी वास्ते इधर आया है. बट जेनी बहुत अपसेट है. रॉन्ग अंकल, बहुत खुश है वो. कल रात मैंने उसे खुद देखा है. हम लोग कभी कभी जो देखता ही नहीं वो सही नहीं होता. पर अंकल, आप आंखों देखी चीज जुटला नहीं सकते. माय सन, जेनी इज योर वाइफ. उसको अपना घर लाओ, अपना लाइफ को सेटल करो. बात करूंगा अंकल मैं लिस से. लिस से? फॉर व्हाट? अंकल एक प्रॉब्लम है, मैं बाद में आपको जरूर बताऊंगा. जो भी करना है जल्दी करो. राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने से लाइफ डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है. Okay, uncle.
क्या हो गया मेरी बेटी को? भाई कोई डॉक्टर है यहाँ? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। क्या हो गया बेटे? क्या हो गया हमारी बेटी को? क्या हो गया बेटी को? क्या हुआ जी? घबराइए नहीं। ये क्या कह रही है शगुनतला? ये झूठ बोल रही है, ये बकवास कर रही है मेरी बेटी पर। तुम चुप रहो लक्ष्मी। अब ये विवाह नहीं होगा। चलो ये बारात वापस जाएगी। नहीं नहीं चलो, ये नहीं करो अनिल भाई। मेरी बेटी निर्दोष है, आप जानते हैं मेरी दीदी निर्दोष है। चलो समझाइए। अच्छा ही हुआ, वहां तो कहानी दूसरी थी। किसी का गुनाह हमारे सर थोप रहे थे। माँ, वो बच्चा मेरा ही है, मैंने जूही से विवाह कर लिया था। मूर्ख, ये सब कुछ तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हाथ आई लक्ष्मी, जल्दबाजी में हाथ से निकल गई। राबिया, मुझे एक और बात करनी है तुमसे। मुझे हावर से काम है, क्या तुम उन्हें मेरे घर भेज सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगी। ओके थैंक यू। तुम्हारी कोल्ड कॉफी इतनी कड़वी, खबरदार आइंदा मुझे मत कभी पिलाना। ये आइंदा इसका मौका नहीं आएगा। हाँ। चलती हूँ जीशान। और जीशान प्लीज तुम मुझे फोन करने। ATV, सारे रंग हमारे।